आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी हाई प्रोटीन पैनकेक। गाइस, ये जो पैनकेक है, इट्स वेरी रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन। जब हम हाई प्रोटीन फूड ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो उससे ना ही हम फुल फील करते हैं, बट साथ ही साथ हमें क्रेविंग्स कम होती हैं। तो कोशिश कीजिए जो हाई प्रोटीन हमारा जो पैनकेक है, हम इसे अर्ली मॉर्निंग लें। हमने पैनकेक प्रिपेयर किया है, इसमें कोई भी शुगर नहीं यूज़ की गई है। जो हमें मीठा जो आएगा वो हमें बनाना से और पीनट बटर से आएगा, एंड जितना ज़्यादा पका हुआ हम बनाना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी हमारा जो है ये पैनकेक बनेगा। एंड गाइस, अगर आपको मीठा, ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, देन आप लास्ट में थोड़ा सा इसके ऊपर हनी डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक करें अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं। एंड गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें अगर आप देखना चाहते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ, क्या क्या चीज़ों के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके देख सकते हैं। एंड गाइस, मुक्ति गौतम के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम पेज। दैट्स इट एंड लेट्स गो टू द किचन। पहले मैंने ये ओट्स पीस लिए हैं, तो पिसे हुए ओट्स, एक केला, पीनट बटर, एक गिलास दूध, थोड़े से ड्राइड बेरीज ली हैं, आप चाहें तो किशमिश ले सकते हैं, और एक चम्मच मैं फ्लैक्सीड का डालूंगी, मैंने ऑलरेडी पीस के रखे हैं। सो हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी है हाई प्रोटीन पैनकेक बनाने के लिए। बनाना को मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद आप इसमें दो चम्मच पीनट बटर डालें। मैं इसमें हाई प्रोटीन पीनट बटर डाल रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल भी अगर डालें तब भी ये जो डिश है ये हाई प्रोटीन बनेगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमारे पिसे हुए ओट्स और दूध, अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि पूरा सारा का सारा दूध नहीं बना है, आपको इसको गाढ़ा रखना है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा पतला करेंगे तो पैनकेक बनने में प्रॉब्लम आएगी। एक चम्मच फ्लैक्स सीड्स, एक चम्मच जो मैंने भिगो के रखे थे चिया सीड्स, आप चाहें तो किशमिश और ड्राई फ्रूट्स बाद में भी डाल सकते हैं, बट मैं इन्हें अभी डालना पसंद करूंगी। तो सबसे पहले पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं, ज्यादा ऑयल मत लगाएं, और अब गैस को थोड़ा सा गर्म होने दें। गर्म होने के बाद आप इसमें अपना जो आपने बैटर बनाया था उसे डाल दें, और इसे फैलाने के लिए थोड़ा सा दूध में या फिर पानी में चम्मच को डुबा के इसको थोड़ा सा फैला दें। आप चाहें तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं इसके प्रोटीन को बढ़ाने के लिए। इसे हम उल्टा देंगे। पकने के बाद इसे आप दो छोटे पैन भी बना सकते हैं, ये हैंडल करने ज्यादा इजी हैं। तो छोटे पैनकेक्स, हमारे पैनकेक रेडी हैं।